गुलरिया थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक एक लाख रुपए के पुरस्कार घोषित दो कुख्यात अपराधी को क्राइम स्वाट और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने 15 अक्टूबर को दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में वांछित मिथुन पासवान पुत्र स्वर्गीय रामजनक पासवान निवासी रौतनिया सरदार थाना चौरी चौरा तथा धीरू पासवान पुत्र स्वर्गीय विध्याचल पासवान निवासी इंजीनियरिंग कॉलेज दिव्य नगर कॉलोनी डिबिया थाना कैंट शामिल है और इनके पास से 15 अक्टूबर को पुलिस टीम पर किए गए हमले के दौरान लूटा गया 9 mm पिस्टल, एक 32 बोर का पिस्टल, दो जिंदा कारतूस व खोखा तथा एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि थाना चौरी चौरा के एक एक लाख के पुरस्कार घोषित अपराधी धीरू व मिथुन पासवान 24 नवंबर को मेडिकल कॉलेज की तरफ से आ रहे थे। सूचना पर क्राइम ब्रांच के द्वारा अपराधियों की घेराबंदी की जाने लगी, तभी दोनों अपराधी अपने को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे, जिसके बाद CO क्राइम प्रवीण सिंह द्वारा कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारण किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष शाहपुर प्रभारी निरीक्षक गुलहरिया भी अपराधियों का पीछा करने लगे। अपने को घिरा देख पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे, तब पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान क्राइम ब्रांच के में तैनात हेड कांस्टेबल शशिकांत व कांस्टेबल मोहसिन खान भी घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उन लोगों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त D3 गैंग से संबंध है, इनके कुछ साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। SSP शलभ माथुर ने बताया अंदर भी बोली क्या बनाइए भाई नामी है, एक का नाम मिथुन पासवान है जो कि थाना चौरी चौरा का हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर 22 मुकदमे हैं और 1 लाख रुपए का इनाम है, और धीरू पासवान ये थाना कैंट का रहने वाला है, इसके ऊपर भी लगभग 13 मुकदमे हैं और ये भी जो है दोनों अपराधी 14/15 तारीख की रात में जनपद गोरखपुर में थाना चौरी चौरा के अंदर जब पुलिस टीम गई थी तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया था। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना का अनावरण करते हुए इनके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था। 2 पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। ये 2 अपराधी घटना के बाद से फरार चल रहे थे, जैसा मैंने बताया दोनों पे 1-1 लाख रुपए का इनाम था, और आज सूचना मिली थी, जब सूचना पे पुलिस पहुंची है तो इन्होंने पुलिस टीम पे पुनः फायरिंग करी है, और आत्मरक्षा जब पुलिस ने फायरिंग करी है तो दोनों अपराधियों को गोली लगी है। 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, 4 जो हैं दो अपराधी हैं और 2 पुलिस वाले, इनको जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आया गया है। ये जनपद गोरखपुर में थाना गुलरिया की घटना है और ट्रीटमेंट इन लोगों का कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर क्या किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? ये ऑलरेडी जैसा मैंने बताया ये शातिर अपराधी हैं, 22 से 23 मुकदमे हैं और पूछताछ के ऊपर ही पता लगेगा कि और इनका क्या कार्य योजना रही है, इस बीच इन्होंने क्या क्या घटना की है। ये गैंगस्टर भी इन दोनों अपराधियों पर इस साल लगा था और ये रजिस्टर्ड गैंग जो है D3 गैंग थाना कैंट के उसके भी मेम्बर हैं।